नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। यूपी एमपी समेत कई राज्यों में श्रम कानूनों में बदलाव पर मचा हंगामा। सात विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, जताई आपत्ति। यूपी में श्रम कानून को लेकर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। कानूनों में किए गए बदलाव को तुरंत रद्द की मांग की। कहा, मजदूर देश के निर्माता आपके बंधक नहीं। कोरोना की रोकथाम के लिए सीएम योगी की बैठक। टीम 11 के अधिकारियों से ताजा हालातों पर की चर्चा। कोरोना पर लिया अपडेट। यूपी में जारी है प्रवासी मजदूरों की वापसी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन, मजदूर पहुंचे शहर। घर जाने से पहले हर शख्स की हो रही कोरोना की जांच। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 59,000 के पार और अब तक 1,981 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। इंदौर में 1700 के पार पहुंचे मरीज। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 3,341। आगरा में लगातार बढ़ रहा कोरोना का प्रकोप। 23 नए मामले मिलने से हर कम मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 701। प्रयागराज में सीएससी रामनगर में मृतक के परिजनों का हंगामा। 3 दिन पहले टाइफाइड बुखार में लगवाया था इंजेक्शन, लगाया लापरवाही का आरोप। ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग हुआ लापरवाह। समय पर एम्बुलेंस न मिलने से मरीज की मौत। उठेले से अस्पताल लेकर पहुंचे थे परिजन। अमेठी में संदिग्ध परिस्थिति में घर में लगी भीषण आग। आग में झुलसकर मां समेत 2 बच्चों की मौत। लॉकडाउन की वजह से मृतका का पति गुजरात में फंसा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले मंदसौर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर तालाब में नहाने गए 3 बच्चे पानी में डूब गए। आपको बता दें कि सीतामऊ तालाब में नहाने गए थे 3 बच्चे और 1 बच्चे का तालाब में शव मिला है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। 2 बच्चों को पुलिस तालाब में ढूंढने का प्रयास कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मंदसौर से, जहां पर तालाब में नहाने गए 3 बच्चे डूब गए। सीतामऊ तालाब में नहाने गए थे 3 बच्चे, 1 बच्चे का तालाब में शव मिला है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। लगातार 2 बच्चों को पुलिस तालाब में ढूंढने का प्रयास कर रही है। मंदसौर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, तालाब में नहाने गए 3 बच्चे डूब गए हैं। आपको बता दें कि सीतामऊ तालाब में नहाने गए थे 3 बच्चे, 1 बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और 2 बच्चों की तलाश कर रहे हैं। और अब बढ़ेंगे खबरों में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से मध्य प्रदेश घर जाने के लिए प्रवासी मजदूरों को जब कोई बस या ट्रेन नहीं मिली तो वो रेलवे ट्रैक पर ही पैदल घर जाने के लिए निकल गए। उन्हें नहीं पता था कि ये उनका आखिरी सफर है। करीब 35 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो रेलवे ट्रैक पर ही लेट गए। थकान इतनी थी कि नींद आ गई और वो जिससे कि 16 मजदूर कभी जाग ही नहीं सके। मालगाड़ी की चपेट में आने से मरने वाले 16 मजदूरों को घर जाने के लिए तो ट्रेन नहीं मिली, पर अब उनके शवों को ले जाने के लिए विशेष ट्रेन का इंतजाम किया गया है। औरंगाबाद से विशेष ट्रेन से मजदूरों के शव शुक्रवार रात को उनके घर के लिए भेज दिए गए और इसी पर पीएम मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख व्यक्त किया है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में काम के लिए गए मध्य प्रदेश के मेरे प्रिय मजदूर बहनों और भाइयों, आज मैं भरे मन से भारी पीड़ा के साथ आपको संबोधित कर रहा हूं। रेल हादसे में मध्य प्रदेश के 16 मजदूर भाई अपनी जिंदगी गवा बैठे। वो जालना से पैदल चल दिए थे, चलते चलते रेलवे ट्रैक पर ही सो गए और हमारे बीच नहीं रहे। मन व्यथित और दुखी है। मैंने प्रदेश की मंत्री सुश्री मीना सिंह जी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम औरंगाबाद भेजी है। घायलों के उचित उपचार की व्यवस्था और जो भाई हमारे बीच नहीं रहे उनके पार्थिव शरीर को लाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
पीड़ित परिवारों को तत्काल 5-5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। रेल मंत्री से मैंने आग्रह किया तो घटना की जांच के निर्देश दे दिए। हम इसकी जांच भी करवाएंगे कि जालना की जिस फैक्ट्री में, स्टील फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे, वहां से वो किन परिस्थितियों में चल दिए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। मेरी आपसे अपील है कि इन परिवारों की व्यवस्था तो हम करेंगे, लेकिन आप अपने मन से पैदल मध्य प्रदेश के लिए ना निकलें। मध्य प्रदेश की सरकार, हम हर संभव व्यवस्था कर रहे हैं अपने मजदूर भाई बहनों को अलग अलग राज्यों से लाने की। अब तक बसों से और ट्रेनों से 1.25 लाख मजदूर भाई बहनों को हम मध्य प्रदेश ला चुके हैं। ट्रेनें लगातार आ रही है, अभी तक 11 ट्रेनें आ चुकी है, 10 कल आने वाली है, 40 ट्रेनें और तैयार हैं, और जितनी ट्रेनों की जरूरत पड़ेगी हम व्यवस्था करेंगे। आप विश्वास कीजिए, सुरक्षित आपको मध्य प्रदेश में घर ले जाएंगे, ट्रेन से उतार के बस में बैठा के आपके घर पहुंचाएंगे। उतावली मत कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, आपका जीवन हमारे लिए कीमती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप जहां है वहां से कंट्रोल रूम मध्य प्रदेश के फोन नंबर कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कंट्रोल रूम का फोन नंबर है 0755241180, अंग्रेजी में 0755241180। आप फोन कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर अपने मन से मत चलिए, आपके पास सूचना आएगी किस तारीख को कहां से आपकी ट्रेन रवाना होगी, आप तब चलिए, वो भी पैदल नहीं। आपको ट्रेन तक पहुंचाने की व्यवस्था हम करेंगे, उसके बाद ही आप आए। धैर्य ना खोएं, संयम ना खोएं, जल्दीबाजी ना करें, हम सुरक्षित आपको घर पहुंचाएंगे। सीधे में चल रहे लॉकडाउन के बीच रेत व्यापार जारी है। कथित बीजेपी नेता के रेत व्यापार करते हुए उनको पकड़ा गया है। वाहन सीधी जिले के अमेलिया थाना प्रभारी द्वारा पकड़ा गया। मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि एक टीपी से निर्धारित समय पर कई बार रेत को अवैध रूप से व्यापार किया जा रहा था। मामले को संज्ञान में लेते हुए अमेलिया थाना प्रभारी दीपक सिंह बघेल भी अलर्ट हो गए हैं। लॉकडाउन के चलते सभी राज्यों और जिलों की सीमाएं बंद कर दी गई हैं, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के जिले में प्रवेश और बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन डबरा शहर में करीबन 500 महिलाएं एवं पुरुष डबरा दतिया सीमा पर पहुंच गए हैं। इतनी संख्या में पहुंचे लोगों को देखकर हड़कंप मच गया है, जिसके चलते तुरंत डबरा प्रशासन ने उनके विद्यालय में ठहरने की व्यवस्था की है, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं कुछ समाज सेवियों ने उनके भोजन पानी की भी व्यवस्था की, जिसके बाद प्रशासन ने सभी लोगों के लिए उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का इंतजाम भी किया, जिसे देखकर लोगों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। सारे मजदूर रात में झांसी और दतिया से लौटा दिए गए, जो झांसी से आगे पन्ना, छतरपुर, दमोह और आसपास के जिलों में जा रहे थे। यह कहकर लौटा दिया गया कि झांसी और यूपी की सीमा क्रॉस नहीं कर सकते, इसके पहले धीरे धीरे लोग जाते रहते थे। आरोन में डाउट और सोशल डिस्टेंसिंग के जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कराने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इसका क्या असर दिख रहा है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण नगर में सब्जी बाजार और ग्रामीण बैंक में देखने को मिल रहा है, जहां सुबह होते ही लोगों की काफी भीड़ जमा हो जाती है, जो आने वाले समय में गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है। विदिशा में कोरोना महामारी को लेकर हालात बेहद खराब हैं।
कोरोना महामारी से जूझते हुए प्रदेश के लोगों को करीब 2 महीना गुजरने वाला है, लेकिन आज भी मजदूर वर्ग अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसा ही एक मामला विदिशा के बसौदा से सामने आया, जहां पर इटारसी से भिंड जा रही मजदूरों से भरी बस अचानक खराब हो गई। जैसे ही मामले की जानकारी बसौदा विधायक लीना जैन को लगी, उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर बस में सवार सभी मजदूरों को खाना एवं पानी सहित अन्य व्यवस्थाएं करवाई और दूसरी बस को बुलवाया। बस में सवार मजदूरों ने बीजेपी विधायक लीला जैन का आभार जताया। शेड्यूल में प्रकाश नारायण शुक्ला पिंकू के साथ नगर के ही रहने वाले दुष्यंत सिंह के द्वारा पहले मारपीट का एक वीडियो बनवाया और फिर वायरल करने के बाद जान से मारने की धमकी दी। घटना नगर के डिग्री हॉस्टल के समीप की है, जहां देर रात दुष्यंत सिंह एवं उनके साथी सचिन गौरव पटेल सनी के साथ नारायण शुक्ला, जो कि अपने घर जा रहा था, उसे रास्ते में रोककर अभद्रता करते हुए जान से मारने का प्रयास किया। मारपीट के दौरान नारायण शुक्ला को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटित घटना के बाद घायल का छोटा भाई न्याय की फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक के समक्ष पहुंचा है। आहत जो है कल दिनांक को अपने मामा के यहाँ गया था मामी को देखने। मामी को देख के मामा के लड़का के साथ विपिन पांडे के साथ वापस आ रहा था, जो पांडव नगर में रास्ते में ये खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। उसी समय दुष्यंत सिंह अपने दोस्त के साथ आके इनके साथ मारपीट किया। रात में 378/2020 धारा 294 323/5634 IPC पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की पता तलाश की जा रही है। आहत का सिटी स्कैन कराया गया है। सिटी स्कैन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जैसी सूरत होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कल 11:30 बजे रात मेरे भाई का फोन आया, मौसी घर से दवाई देके निकले। जैसे थे 100 मीटर के समथिंग में दुष्यंत सिंह उसके दोस्त सनी, गौरव पटेल और सचिन, इन चारों ने मिल के रोक कर रस्ते में मारपीट किया। यहाँ तक कि चैन, सोने की चैन खींची और जो मोबाइल सब तोड़े और धारदार हथियारों से वार किया। पहले तो पीछे से हॉकी से मारा गया, उसके बाद सामने से कड़े से वार पे वार किया गया। कोरोना वायरस महामारी के बीच अन्य राज्यों में फंसे मजदूर धीरे धीरे लौटने लगे हैं। हाल ही में केरल में फंसे मजदूरों को लेकर एक ट्रेन विदिशा पहुंची। इस ट्रेन में मध्य प्रदेश के 34 जिलों के 1,135 मजदूर सवार थे। सबसे पहले प्रशासन ने मजदूरों को ट्रेन से उतारकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया, जिसके बाद मजदूरों को खाने और पीने की व्यवस्था कराई गई, जिसके बाद सभी मजदूरों को बसों के माध्यम से अपने जिले के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान विधायक शशांक भार्गव, नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन सहित प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। शहडोल में ट्रेन हादसे में प्रवासी मजदूरों की मौत के बाद मृतकों के घर जिला प्रशासन पहुंचा, जहां कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ल भी शामिल थे, जिन्होंने ग्राम अंतौली औरंगाबाद में हुए ट्रेन दुर्घटना में मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान विधायक शरद कोल, CEO जिला पंचायत पार्थ जायसवाल भी उपस्थित रहे। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल हासिल हो गया। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, मां दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। घेर लेने को जब भी बलाएं आ गईं,
ढाल बनकर मां की दुआएं आ गईं। मां से जुड़ी यादों को और लॉकडाउन में मां से जुड़े एहसासों जिन्हें आपने संजोया हो, हमें व्हाट्सएप नंबर 7800004400 पर शेयर करें। वीडियो 2 मिनट से ज्यादा ना हो। 10 मई को मदर्स डे पर देखिए सबसे प्यारी माँ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंडाला विधानसभा के ग्राम देशगांव की जो कि इंदौर इच्छापुर हाईवे पर निर्मित 3 दुकानों में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। आपको बता दें कि दुकानदार दुकान में अवैध रूप से 5 किलो का गैस सिलेंडर भी बेचता था। ग्राम सरपंच द्वारा अनेक मर्तबा दुकानदार को गैस सिलेंडर नहीं रखने एवं बेचने के लिए कहा जा चुका है, जिसके बाद भी दुकानदार ने नियमों को नहीं माना और बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर से ही हादसा हुआ है। वहीं पंडाला विधायक राम दांगोरे ने हताहत हुए परिवारों को 20,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। अशोक नगर के पिपराई में आबकारी विभाग की टीम ने जिला उप आबकारी अधिकारी आजाद सिंह आर्य के नेतृत्व में अवैध कच्ची शराब बनाने वाले माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां टीम ने नगर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित मूड़ा भादरा गांव चक में अवैध रूप से संचालित भवा शराब के अड्डों पर छापेमारी की और तकरीबन 250 लीटर अवैध शराब बरामद की है। आगरमालवा जिले की तहसील नरखेड़ा में प्रशासन का सख्त रवैया देखने को मिला, जहां बगैर अनुमति के खुली पाई गई दुकानों पर चालान कार्रवाई की गई। इस दौरान नायब तहसीलदार प्रियांक श्रीवास्तव एवं अगर आरआई मालती नगर पंचायत दरोगा ने नगर में भ्रमण कर करीब 9 दुकानदारों पर 3100 रुपए की चालानी कार्रवाई की है। कोरोना महामारी के बीच बालाघाट जिला फिलहाल ग्रीन जोन में है, जिसके चलते यहां कुछ शर्तों के आधार पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चिन्हित दुकानें खोलने की छूट दी गई है। प्रशासन की छूट के बाद कुछ व्यापारियों ने जागरूकता का परिचय देते हुए अपनी दुकानें नहीं खोली। आपको बता दें कि शहर में ऐसे कई मजदूर हैं जो अपने घर वापस आए हैं, जो हाई रेड जोन है, जिसे लेकर व्यापारियों के मन में दहशत व्याप्त है, जिसके चलते उन्होंने 17 मई तक दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है। लोगों द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, व्यापारियों द्वारा स्वतः ही, जिसमें अधिकांश भीड़ आने की वजह से उन्हें ऐसा लगा कि हमारे सुरक्षा और स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो सकता है, भीड़ के दबाव को उन्होंने सोचा कि हमारे परिवार को खतरा है, इस वजह से उन्होंने आपसी सहमति से इसमें दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है। मार्केट खुलने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था, मतलब ये महामारी फैलने के पूरे पूरे चांसेस है। इसीलिए व्यापारी संघ ने यह निर्णय लिया कि ये जो लेबरें आई हुई, ये लेबर घर जाएंगी, फिर मार्केट आएंगी, खरीदी करेंगी, फिर इससे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 में फैलेगा। इसलिए सभी व्यापारियों ने यह निर्णय लिया कि पैसा तो हम अगले साल कमा लेंगे, जान है तो जहान है, व्यापार बंद करें, घर में बैठें। सिरोंज एवं गुना जिले के कुछ मजदूर गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर तहसील के गांव हाजीपुर में फंसे हुए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी करके मदद की गुहार लगाई है और घर वापसी का इंतजाम मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जाए, उनको ई पास जारी किया जाए। वहीं जब इस मामले में विदिशा कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने मजदूरों को ई पास जारी करने का भरोसा दिलाया।
कभी भूखे रह रहे हैं, कभी खाना मिल रहा है हमको। और हम बीतीसा जिले के सिरोंज तहसील से हैं और यहाँ पे 5 लोग हम बीतीसा जिले के हैं और की तरफ से। उसके बाद फिर जब अभी फायरिंग हुई श्याम किशोर शर्मा की पार्टी की तरफ से, तो शुरुआत में 2 नक्सली ढेर हो गए, लेकिन उसी गोलीबारी में उनकी तरफ से श्याम। हम हिम्मत नगर तहसील जिला साबरकांठा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए खेल न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।